जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना सरकार के लिए किसी बाधा से कम नहीं था। स्थानीय लोगों को महिलाओं के समान अधिकार से रूबरू कराना, महिलाओं को उनके हक के बारे में बताना, ऐसे कई काम हैं जो सरकार ने किए हैं। उन्हीं का नतीजा है कि ये तरीके अब सार्थक हुए हैं। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी JKRLM के माध्यम से सरकारी योजना उम्मीद से जुड़ी महिलाओं ने खुद को साबित कर दिया है। दरअसल कश्मीर में प्रसिद्ध व्यंजन जिसे वाजवान के नाम से जाना जाता है, इसे विशेष रूप से विवाह, सगाई और अन्य विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। वाजवान तैयार करने वालों को वाजा यानी बावर्ची के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ये काम सिर्फ पुरुष करते थे, लेकिन गांधरबल जिले की लगभग आधा दर्जन महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़कर इस पेशे में खुद को शामिल कर रही हैं और नाम कमा रही हैं। इतना ही नहीं, मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले की ये महिलाएं लोगों को ये प्रसिद्ध व्यंजन परोस भी रही हैं। मीडिया से बात करते हुए मेले में स्टॉल लगाने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेड ने बताया कि मेले में हमने कश्मीरी वाजवान स्टॉल को लगाया है। स्टॉल में केवल फीमेल्स काम कर रही हैं। ये लोगों के लिए कुछ नया है, क्योंकि अभी तक केवल पुरुष ही वाजवान तैयार करते थे। हमारी यात्रा की शुरुआत में आलोचना भी की गई, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। यहाँ पे JKNRLM ने सरस नाम के एक आजीविका मेला लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हमें एक कश्मीरी वाजवान स्टॉल चल रहा है यहाँ पे हमारा। जी, हम सिर्फ फीमेल्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी 5 फीमेल्स यहाँ पे काम कर रही हैं इस टाइम, बाकी की जो है वो सारी अभी घर पे ही हैं। जी नहीं, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है ये काम, कश्मीरी वाजवान, जो कि हमने सोचा कि आज तक कश्मीर में सिर्फ जेंट्स करते आए हैं ये काम। फैमिली सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं सारस आजीविका मेले में घूमने आई महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर हर स्टॉल पर सामान बेचते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं, जिससे काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। मेले में आकर काफी अच्छा लग रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे, क्योंकि हमने सुना था सरस आजीविका मेला 11 से कुछ शुरू हो रहा है, तो वही देखने आए थे ये कैसा है। तो मैं बताऊँ, पहली तो JKRLM ने कमाल का काम किया है कि सिर्फ फीमेल्स ही यहाँ पर हैं। आपको स्टॉल्स पे जो लड़कियाँ सामान बेचते दिखेंगी वो भी महिलाएं मिलेंगी, साथ ही साथ खाना भी यहाँ फीमेल बनाती भी परोसती भी हैं, तो ये चीज काफी अच्छी लगी यहाँ पर। बता दें कि इन महिलाओं को 11 दिनों के लिए आयोजित किए जा रहे अपने तरह के पहले सेल ऑफ आर्टिकल्स एंड रूरल आर्टिसन सोसाइटी यानी सारस कार्यक्रम में काफी सराहना मिल रही है। गांधरबल की महिलाओं के अलावा यहाँ कई ठेले हैं और हर ठेले में महिला सशक्तिकरण की एक अलग कहानी दिखती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में हो रहे इस बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।